बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। फरारी के दौरान अनंत सिंह ने के बादे करके दो वीडियो जारी किए, जिसे सुनकर लग रहा है कि उन्होंने कहीं हाईवे पर ठिकाना बना रखा है। वीडियो रिलीज होते ही पुलिस की सरगर्मी और बढ़ गई है। अनंत की तलाश के लिए पटना पुलिस की 10 अलग अलग टीमों को अभियान में लगाया गया है। पुलिस की ये टीमें अनंत की टोह में हाईवे से लेकर बाईपास तक निगाहें रख रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अनंत की गिरफ्तारी के लिए उनके रिश्तेदारों और समर्थकों को घर पर भी दबिश दी जा रही है। सोमवार की रात पुलिस की कई टीमें अनंत की तलाश में खाक छानती रहीं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना में कोतवाली थाना के बंदर बगीचा में छापेमारी की गई। बाढ़ पुलिस के साथ विशेष टीम ने यह छापेमारी की, लेकिन विधायक का कोई सुराग नहीं मिल सका। रेड के लिए पुलिस की टीम रात के करीब 1 बजे पहुंची थी। पुलिस की छापेमारी से अनंत समर्थकों में हड़कंप मच गया है। पटना पुलिस की इस कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है, उसकी जानकारी स्थानीय थाने तक को नहीं दी जा रही है। दरअसल अनंत सिंह की फरारी को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है। सोमवार की रात ही पटना के एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान दानापुर और एसके पुरी पुलिस की टीम साथ थी। जिस होटल में पुलिस ने रेड किया वो अनंत सिंह का ही बताया जा रहा है। पटना पुलिस की टीम ने होटल के अलावा बोरिंग रोड और पाटलीपुट इलाके में भी छापेमारी की। रेड के दौरान पुलिस की टीम सादे लिबास में थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा कि बाढ़ से निजी वाहन से आई थी। मालूम हो कि लदमा स्थित पुस्तैनी मकान से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद से अनंत सिंह लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए शनिवार की रात से रेड जारी रखी है।